देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मऊ जनपद में आजकल सरकारी आदेश को दरकिनार कर अवैध खनन का कारोबार चरम सीमा पर है। मिट्टी से लेकर सफेद बालू का 10 फुट नीचे तक खनन दिन दहाड़े चल रहा है, प्रशासन मौन है। मऊ जनपद में सरकार के आदेश का कोई असर नहीं है, मिट्टी बालू का खनन आम बात हो गई है। पहले तो रात के अंधेरों में खनन होता था, अब दिन दहाड़े हो रहा है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि रोक हटा दिया गया है, सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है। वास्तविकता क्या है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन खुलेआम बिना रोक टोक खनन से हर तरफ हलचल पैदा हो गया है। इस संबंध में दोहरी घाट ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवदेनी उर्फ साधु का कहना है कि सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, जिस तरह खनन चल रहा है वह ठीक नहीं है। अच्छा, आपके इलाके में जो सब बालू खनन हो रहा है, मिट्टी खनन, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या जो बालू खनन हो रहा है, मिट्टी खनन, अवैध खनन, इस पर क्या कहेंगे आप? तो भाई सरकार उस पर कार्रवाई करे, और क्या करे, हम क्या करें। तो इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं। प्रमुख जी, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि मधुबन थाना क्षेत्र में या मऊ जनपद में ही मान लीजिए अवैध खनन का कारोबार जोरों पर है, आज पर सरकार एकदम फेल है, आज जिला प्रशासन फेल है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जो है, जो भी खनन अवैध हो रहा है वो अधिकारियों पुलिस प्रशासन के मिली जुली भगत से हो रही है, और यहाँ के नेता जो हैं वो क्षेत्र से छोड़कर बाहर रहते हैं, यहाँ की जनता की निगरानी बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, इससे अधिकारियों में और उदासीनता की वजह से जनता लूटी जा रही है, अवैध खनन हो रहा है। थोड़ी सी लालच में आकर किसान अपनी खेती बर्बाद कर रहा है। अवैध खनन पर किसान रामा सिंह का कहना है कि खनन पर रोक लगानी चाहिए, सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हर तरफ केवल खड्डा ही होगा। मऊ जनपद से संवाददाता जगदीश सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।